प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रश्न हल कर दिखला रहे हैं वह प्रश्न कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। इसके अतिरिक्त ये प्रश्न विविध प्रश्नावली 10 का पहला प्रश्न है जो पेज नंबर 248 पर है। आज का हमारा प्रश्न है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा के -3 × x - -k² (y) + (k² - 7k + 6) = 0। ये आपको एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है। उस रेखा के समीकरण में k का मान विभिन्न स्थितियों में ज्ञात करवाया गया है। पहली स्थिति यह है कि रेखा x अक्ष के समानांतर है। इस रेखा के समीकरण को हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि ये रेखा हमारी x अक्ष के समानांतर हो जाए, तो इसमें हमें k का मान कितना लगाना पड़ेगा। दूसरा है रेखा y अक्ष के समानांतर है, हम k का ऐसा मान ज्ञात करना चाहते हैं दूसरी स्थिति में कि k का मान वह लगाने पर यह समीकरण जो है ऐसी रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाए जो y अक्ष के समानांतर है। और तीसरी स्थिति में हम k का ऐसा मान ज्ञात करना चाहते हैं जो इस रेखा के समीकरण में लगा दिया जाए तो रेखा का जो समीकरण प्राप्त हो वह ऐसी रेखा का समीकरण प्राप्त हो जो मूल बिंदु से आती है। तो तीन स्थितियों में हमारे लिए के का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह मान लीजिए आपका एक्स अक्ष है, यह आपका वाई अक्ष है, और यह आपका मूल बिंदु होता है। अब आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि जितनी भी 2D के अंतर्गत रेखाओं के समीकरण होते हैं वे समीकरण AX + BY + C0 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इस रूप में लिखे होते हैं। यहाँ पर A, B और C अचर राशियाँ हैं। A और B और C के अलग अलग मान लगाने से रेखाओं के अलग अलग मान प्राप्त हो जाते हैं। अब हमारा समीकरण जो दिया हुआ है वह लगभग इसी रूप में है। इस समीकरण के अंतर्गत a का मान जो है वो k - 3 के बराबर है और b का मान जो है -4 - k² के बराबर है और c का मान जो है वह k² - 7k + 6 के बराबर है। अब हम इस समीकरण के लिए ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे कि वह रेखा जो है वह x अक्ष के समानांतर हो जाए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी भी x अक्ष हमारा ये है इसके समानांतर जो रेखा होंगी वो हमारी सभी इस प्रकार की रेखा होंगी। वह रेखा जो है मूल बिंदु के ऊपर भी हो सकती है और मूल बिंदु से नीचे भी हो सकती है। तो x अक्ष के समानांतर जो रेखा होती है उस रेखा के अंतर्गत जो है x पद नहीं आता है। इस रेखा का समीकरण होगा आपका y = d। यदि ये d का मान धनात्मक है तो मूल बिंदु के ऊपर होगी और यदि d का मान ये ऋणात्मक है तो मूल बिंदु के नीचे होगी। मतलब यहां पर d का मान धनात्मक है और यहां पर भी धनात्मक है। जब d का मान धनात्मक लगा देंगे तो ये हमारा RHS जो है वो ऋणात्मक बन जाएगा। जब ऋणात्मक बन जाएगा तो हमारी रेखा जो है वो x अक्ष के समानांतर हो जाएगी और मूल बिंदु से नीचे की ओर हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम इस रेखा के समीकरण को ऐसा बनाना चाहते हैं कि ये x अक्ष के समानांतर हो जाए तो नियम क्या है, जब रेखा x अक्ष के समानांतर होती है तब रेखा के समीकरण में y का पद नहीं आता है। अर्थात रेखा x अक्ष के समानांतर है तब x का गुणांक जो है वह 0 होगा। तो यदि इस रेखा को हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि ये रेखा x अक्ष के समानांतर हो जाए तो इस पद को हटाना पड़ेगा।
अर्थात इसको हमें जीरो कर देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एक्स का गुणांक बराबर जीरो, और एक्स का गुणांक कितना है के माइनस तीन, तो हम लिखेंगे के माइनस तीन बराबर जीरो और के बराबर तीन। अर्थात के बराबर तीन यदि इसमें लगा देंगे हम, तो ये ऐसी रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो हमारी एक्स अक्ष के समानांतर है। आप देखिए आपको जो ओरिजिनल समीकरण दिया हुआ है वो दिया हुआ है के माइनस तीन इंटू एक्स माइनस चार ब्रैकेट माइनस चार माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस सात के प्लस छः बराबर जीरो। जब हम इसमें के का मान लगाएंगे तीन, तो यहाँ पर तो हो जाएगा तीन माइनस तीन इंटू एक्स, माइनस ही आ जाएगा, ब्रैकेट ही लग जाएगी, चार ही हो जाएगा। और यहाँ पर के का मान लगाएंगे तीन, तो माइनस के नौ ही आ जाएंगे और बाई आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा तीन तीन नौ माइनस तीन सत्ते इक्कीस प्लस छः बराबर जीरो। ये हमारा जीरो हो गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये बचेंगे माइनस के पाँच, और माइनस ये है तो ये आ जाएगा प्लस के पाँच बाई, और ये नौ प्लस के हैं और छः ये प्लस के हैं, ये प्लस के हो जाएंगे पंद्रह, और माइनस के इक्कीस हैं बराबर जीरो आ जाएगा। तो हमारे लिए प्राप्त होगा पाँच वाई माइनस छः बराबर जीरो। इसको लिख सकते हैं हम पाँच वाई बराबर छः, वाई बराबर छः बटे पाँच। और आपको हमने बताया था जितनी रेखाएं एक्स अक्ष के समानांतर होती हैं उसका समीकरण होता है एक्स बराबर वाई बराबर डी या वाई बराबर माइनस डी। डी का मान धनात्मक है, यदि धनात्मक है तो मूल बिंदु के ऊपर हो जाएगी, और यदि डी का मान धनात्मक है तो माइनस पहले लगा हुआ है तो ऋणात्मक बन जाएगा आर एच एस, तो मूल बिंदु के नीचे हो जाएगी। तो जब हम इस समीकरण के अंदर के का मान तीन लगाएंगे तो हमारी रेखा का समीकरण बन जाएगा वाई इज इक्वल टू छः बटे पाँच। अब चूंकि आर एच एस में धनात्मक संख्या है इसलिए रेखा जो है मूल बिंदु के ऊपर होगी और मूल बिंदु से छः बटे पाँच मात्रक के ऊपर होगी। तो के का मान तीन लगाने पर ये समीकरण जो है ऐसी रेखा का समीकरण हो जाएगा जो एक्स अक्ष के समानांतर है। उत्तर ये आपका एक प्रश्न, ये पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका। अब आप दूसरे प्रश्न पर बात करिए। जब आपकी रेखा जो है y अक्ष के समानांतर है, तो अब देखिए ये आपका हो गया x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष, और आपकी रेखा जो है वह x अक्ष के समानांतर है, y अक्ष के समानांतर है, y अक्ष के समानांतर जो है उस रेखा का चित्र ऐसा बनेगा। ये y अक्ष है, इसके समानांतर रेखा ये जा रही होगी या 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 ये जा रही होगी, अरबों खरबों रेखाएं होंगी, अनंत रेखाएं होंगी जो y अक्ष के समानांतर है, और y अक्ष के समानांतर जो रेखा होती है उसका समीकरण होता है x बराबर c। यदि c का मान धनात्मक है तो रेखा जो है मूल बिंदु के दाईं ओर होगी, और यदि एक्स बराबर माइनस सी लगा दें हम, तो सी का मान चूंकि धनात्मक है इसलिए आर एच एस जो है इस स्थिति में ऋणात्मक हो जाएगा, तो रेखा जो है हमारी मूल बिंदु के बाईं ओर चली जाएगी। क्लियर? तो अब इस रेखा के लिए हम ऐसी रेखा बनाना चाहते हैं जो वाई एक्स के समानांतर हो, तो जो वाई एक्स के समानांतर रेखा होती है उसमें बाई वाला पद नहीं आता, ये पद नहीं आना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम चाहते ये है कि ये रेखा हमारी y अक्ष के समानांतर हो जाए, तो हमने देखा उस रेखा के समीकरण में y का पद नहीं आता है जो y अक्ष के समानांतर होती है, अतः इस दिशा में y का गुणांक बराबर होगा जीरो, और y का गुणांक कितना है हमारा, ये है y का गुणांक।
तो इसका मतलब माइनस ब्रैकेट चार माइनस के की घातांक दो बराबर जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस चार प्लस के स्क्वायर बराबर जीरो, और के स्क्वायर माइनस चार बराबर जीरो। यह आपका द्विघात का समीकरण हो गया। इस द्विघात के समीकरण को हल करने के लिए हमें LHS में जो है RHS में हम जीरो कर लेते हैं, और LHS में जो पद होते हैं हमारा व्यंजक होता है उसकी हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसके गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे के माइनस दो और के प्लस दो बराबर जीरो। अब जब इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो एक बार हम इसे जीरो रख के मान निकालते हैं, एक बार इसे जीरो रख के मान निकालते हैं। तो k माइनस दो बराबर जब जीरो रखेंगे तो k बराबर आएगा हमारा दो, और जब हम k प्लस दो बराबर जीरो रखेंगे तो k बराबर आएगा हमारा माइनस दो। कहने का मतलब यह है रेखा का दिया गया समीकरण ऐसी रेखा का समीकरण जो y अक्ष के समांतर है तब होगा जब k बराबर दो हो अथवा k बराबर माइनस दो हो। यदि इस समीकरण के अंतर्गत हम k का मान प्लस के दो या माइनस के दो लगा देंगे तभी हमारा ये जो पद जो है वह समाप्त हो जाएगा, और इसमें यहाँ पर जो हमारा x का पद आ जाएगा और यहाँ पर k का मान लगाने के बाद अचर पद आ जाएगा, तभी फिर जो हमारी रेखा का समीकरण ऐसा बन जाएगा जो y अक्ष के समानांतर है। तो y अक्ष के समानांतर इस रेखा के समीकरण को बनाने के लिए k का मान बराबर दो या माइनस दो आएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। क्लियर। अब तीसरी स्थिति देखिए, इसमें कह रहा है वो अब हमें k का मान ज्ञात करना है जिससे कि ये वाली रेखा का समीकरण जो है ऐसी रेखा का समीकरण हो जाए जो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा हो। अब ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से जाने वाली अरबों खरबों रेखाएं होती हैं, अनंत रेखाएं होती हैं। वो रेखा आपकी ये भी हो सकती है, 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 अनंत रेखाएं होंगी। लेकिन इन सभी रेखाओं के समीकरण के अंदर विशेषता ये होगी कि इसमें अचर पद नहीं आएगा। कहने का मतलब हमने आपको बताया था कि रेखाओं का समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो इसके अंतर्गत जो है सी का मान नहीं आएगा, एक्स का पद आएगा और वाई का पद आएगा, या हो सकता है अकेला एक्स का पद आ जाए या हो सकता है वाई का पद आ जाए। यदि आपका अकेला एक्स का पद आ रहा है तो आपका बन जाएगा वाई, एक्स का पद आ रहा है तो आपका बन जाएगा x बराबर जीरो, और x बराबर जीरो y का समीकरण होता है, तो ये भी एक रेखा हो गई आपकी। और यदि मान लीजिए अकेला y का पद आ रहा है तो बन जाएगा आपका y बराबर जीरो, तो ये आपका x अक्ष का समीकरण हो गया और ये x अक्ष मूल बिंदु से जा ही रहा है। लेकिन यदि दोनों पद आ रहे हैं, x के पद भी आ रहे हैं और y के पद भी आ रहे हैं, तो रेखा इनमें इस प्रकार की रेखा होगी। मतलब ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो के रूप में होना चाहिए। ऐसी रेखा यदि समीकरण इस रूप में लिखा हुआ है तो इस समीकरण से निरूपित रेखा जो है वो मूल बिंदु से अवश्य जाएगी। तो हम चाहते ही हैं कि रेखा मूल बिंदु से जाए, तो मूल बिंदु से जाने के लिए हमारे लिए इसका मान जीरो लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे
मूल बिंद से जाने वाली रेखा के समीकरण में अचर पद नहीं आता है, अतः दी गई रेखा मूल बिंदु से तब जाएगी जब के स्क्वायर माइनस सात के प्लस छः बराबर जीरो। अब यदि हम के का मान ऐसा ज्ञात करेंगे जिससे ये वाली राशि जो है हमारी, ये राशि हमारी शून्य हो जाए, जब ये राशि शून्य हो जाएगी तभी ये समीकरण जो है ऐसी रेखा का समीकरण बन जाएगा जो रेखा मूल बिंदु से जा रही है। तो इसको हमने लिख दिया के स्क्वायर माइनस सात के प्लस छः बराबर जीरो। ये आपका द्विघातांक की समीकरण हो गया। इसको हल करने के लिए आर एच एस में जीरो कर लेते हैं जो पहले से है, इसके हम गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड इसके हो जाएंगे हमारे के माइनस छः और के माइनस एक बराबर जीरो। एक दफ़े से हम जीरो लेंगे, एक दफ़े से जीरो लेंगे, एक दफ़े इसको जीरो रख के का मान निकालेंगे, एक दफ़े इसको जीरो रख के का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे के माइनस छः बराबर जीरो, तो के बराबर छः आ जाएगा, ये पक्षांतर करके इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। और यदि हम के माइनस एक बराबर जीरो मान रहे हैं तो के बराबर हो जाएगा एक। तो क्या नियम बना हमारा, हमारा आंसर बना के बराबर एक अथवा के बराबर छः रखने पर दिया गया समीकरण ऐसी रेखा का समीकरण होगा जो मूल बिंदु से जाती है उत्तर। मूल बिंदु से जाने वाली अनंत रेखाएं होती हैं, उसमें दो रेखाएं विशेष होती हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। वाई अक्ष का समीकरण होता है एक्स बराबर जीरो और एक्स अक्ष का समीकरण होता है वाई बराबर जीरो। तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखाओं में यदि एक्स और वाई दोनों के पद आ रहे हैं तो वो रेखा जो है वो ना तो एक्स अक्ष होगी और ना वाई अक्ष होगी। और यदि केवल एक ही पद आ रहा है एक्स बराबर जीरो तो वाई एक्स का समीकरण हो जाएगा, और यदि वाई बराबर जीरो आ रहा है तो वो एक्स का समीकरण हो जाएगा। ये रेखा भी मूल बिंदु से जा रही है। तो खैर, दिए गए समीकरण को ऐसा समीकरण बनाने के लिए जिससे कि इससे निरूपित रेखा मूल बिंदु से जाने लगे, तो के का मान या तो हम इसमें एक लगाएंगे या छः लगाएंगे। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब आज की बात पूरी हो जाती है, आज का प्रश्न सॉल्व हो जाता है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।